हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे एक और नए ब्लॉग में। मैं हूं आपका दोस्त कन्नू पहाड़ी। और दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में हम आपको गीजर की सर्विस आप कैसे घर पर कर सकते हैं इसकी पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग पर बने रहें और ब्लॉग पूरा देखें। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, मार्केट में गीजर की सर्विस काफ़ी महंगी हो चुकी है, इसलिए हम इस गीजर की सर्विस घर पर ही करते हैं। दोस्तों, अभी इस गीजर को हमने खोल लिया है। दोस्तों, गीजर को खोलने से पहले गीजर की मेन सप्लाई को बंद कर देना चाहिए। तो दोस्तों देखो, हमने गीजर खोल दिया है यहाँ पर। अब हम इस गीजर के नट खोल लेते हैं। दोस्तों, मेन सप्लाई के नट भी अब खोल लेते हैं। ये हमने मेन सप्लाई के दोनों नट खोल दिए हैं। अब इसमें से थर्मोस्टेट को हम निकालेंगे। थर्मोस्टेट हमने निकाल लिया है। दोस्तों, थर्मोस्टेट गीजर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, क्योंकि इसमें पानी के तापमान को नियंत्रण करने की क्षमता होती है और यह आपके गीजर को ज़्यादा गर्म होने से बचाता है। दोस्तों, अब हमने अपने गीजर के मेन नट भी खोल लिए हैं। अब हम इसका एलिमेंट बाहर निकालेंगे। तो दोस्तों, एलिमेंट हमने निकाल लिया। ये क्या दोस्तों, इसमें इतना सारा चूना जमा हुआ है। अब इस चूने को हम निकाल लेंगे, क्योंकि दोस्तों उत्तर भारत में पानी की मात्रा में चूने की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसमें एक चूने का वैक्स सा जम जाता है। दोस्तों, अब हम इसे धो लेते हैं और हमें यह चेक करना होगा कि यह एलिमेंट सही है या ख़राब हो चुका है, क्योंकि चूना जमने से अक्सर एलिमेंट ख़राब हो जाते हैं। दोस्तों, मुझे लगता है कि एलिमेंट ख़राब हो चुका है, क्योंकि देखो दोस्तों ये जल चुका है। दोस्तों, हमें यह चेक करना होगा कि एलिमेंट ख़राब है या नहीं। दोस्तों, अब हमें असेंबली से एलिमेंट को अलग करना होगा, जो अब कर लेते हैं। दोस्तों, लगभग एलिमेंट निकल ही चुका है, फंस चुका है ये। अब दोस्तों निकल गया। हाँ दोस्तों, निकल गया ये। दोस्तों देखो, ये इसमें होल बन गए हैं। अब ये पानी में शॉर्ट करेगा और पानी में करंट आने की संभावना बढ़ जाती है। इससे ये पता चलता है हमें कि ये एलिमेंट ख़राब हो चुकी है। यह देखना है कितनी जगहों से शॉर्ट हुआ है। ये दो तीन जगहों से शॉर्ट हो चुका है दोस्तों। दोस्तों, गीजर की सर्विस में मेन पार्ट है ड्रम की सफाई। अब हमें ड्रम की सफाई बारीकी से करनी होगी और इसमें बहुत सारा चूना जमा हो गया है, इस चूने को हमें हटाना है। तो अब मैं इसका चूना निकाल लेता हूँ। ये चूना जो है वाटर के अंदर ही धीरे धीरे जमा हो जाता है। दोस्तों, ड्रम की सफाई सावधानी पूर्वक करें, हाथों में ग्लव्स पहन लें या समझदारी से करें, क्योंकि इसके अंदर जंग लग जाता है और उससे हाथ कटने का डर रहता है। दोस्तों, इसकी किनारियां धारदार होती हैं। ये देखो दोस्तों, कितना सारा चूना निकला इसके अंदर। ये ड्रम हमने कर लिया है बॉस और लगभग ये साफ हो चुका है। दोस्तों, आप ऐसे ही घर पर इसकी सर्विस कर सकते हैं। दोस्तों, अब बारी आती है असेंबली की सफाई की, क्योंकि इसके पाइप के अंदर चूना जमा हो जाता है। ये देखो दोस्तों, कितना सारा चूना निकल रहा है इसके अंदर से भी, जबकि इसकी असेंबली के पाइप कितने छोटे होते हैं। और दोस्तों, इसकी ब्लॉकेज बढ़ जाती है तो पानी सप्लाई नहीं होता, इसलिए हमें इसको साफ करना ज़रूरी है। ये ब्लॉक हो चुके हैं तो हमको इसको थोड़ा ठोकना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर जो चूना जमा है वो थोड़ा ठोकने के बाद निकल जाएगा। दोस्तों, इसकी सफाई तो हमने कर ली है, लेकिन अब हमें चेक करना होगा कि ये पूरी तरह से साफ़ हुआ नहीं हुआ। तो हम इसे मोटर के पाइप से प्रेशर से देखेंगे कि पानी की ब्लॉकेज तो नहीं है। ये बिल्कुल ओके निकला है। दोस्तों, इसकी दोनों पाइपलाइन साफ हो चुकी हैं और दोनों पाइपलाइन क्लियर हो गई हैं। दोस्तों, एलिमेंट हो गया था ख़राब, तो हमने अब एलिमेंट ही बदल दिया है। अब इसमें हम नया एलिमेंट लगाएंगे और इसको असेंबल करेंगे। दोस्तों, अब पैकिंग के नट कस लेते हैं। पैकिंग के नट हमें काफ़ी टाइट करने होते हैं, क्योंकि अगर हम इन नटों को ढीला छोड़ देंगे तो पानी लीक होगा। तो पैकिंग के नट कस लेते हैं सही से। ये हमने सही से कस दिया है।
दोस्तों असेंबली में एलिमेंट फिट करने के बाद हम इसे ड्रम में फिट करेंगे और हमने सारे नट सावधानी पूर्वक कस लिए हैं क्योंकि ये ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि नट कोई ढीले ना रह जाए। अब इसको हम ड्रम में फिट कर देते हैं। अब इसके मेन नट ठीक से कस देंगे और लगभग इसकी सर्विस फाइनल हो ही चुकी है। देखो दोस्तों ये इसके मेन नट हैं, इनको हम कस लेते हैं। दोस्तों अब बारी आती है थर्मोस्टेट की। तो थर्मोस्टेट की हमने वायर चेक कर ली है जो ठीक है, क्योंकि थर्मोस्टेट की वायर भी लूज नहीं होनी चाहिए। अब थर्मोस्टेट की वायर के कनेक्शन करते हैं हम मेन पावर सप्लाई से, जो हमने ये कर लिए हैं। दोस्तों एक सप्लाई डायरेक्ट हम एलिमेंट को दे देते हैं और एक सप्लाई हम थर्मोस्टेट को दे देते हैं जो थर्मोस्टेट से एलिमेंट में जाती है। अब हमने इसके कनेक्शन कर लिए हैं। तो दोस्तों फाइनली सर्विस हो गई है कंप्लीट। अब इसके कवर फिट कर देते हैं और कवर फिट करने के बाद इसे चेक करेंगे कि हमारा गीजर पूरी तरह से सही हुआ या नहीं। दोस्तों बात करते हैं गीजर की घर की सर्विस में खर्चे की। तो दोस्तों मैं 150 रुपये का एलिमेंट लाया था और मार्केट में गीजर की सर्विस लगभग 700 से लेकर 800 रुपये तक में हो रही थी और फाइनली मेरा 150 रुपये में पूरा का पूरा काम गीजर का निबट चुका है जो मैंने घर पर ही कर लिया था। अब गीजर को कर लेते हैं फिट और चेक करते हैं कि हमारा गीजर कैसे काम कर रहा है। तो लो मैंने गीजर को कर दिया दोस्तों फिट। मैंने दीवार के नट भी कर दिए हैं बिल्कुल टाइट। अब मैं कर रहा हूँ पावर सप्लाई से सीधे कनेक्शन। तो हम इसमें पानी कर लेते हैं फुल, क्योंकि यदि हम इसमें पानी फुल नहीं करेंगे तो एलिमेंट फूकने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। दोस्तों पावर ऑन करे हुए 5 मिनट हो गए हैं और 5 मिनट के बाद ये पानी गर्म हो चुका है। तो दोस्तों हमारी गीजर की घर पर सर्विस रही सक्सेसफुल। और ऐसे मज़ेदार वीडियो देखने के लिए आप चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को करें लाइक। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।